पापा 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 अम्मी भी बोल दे कम बैक टू दीपिका की दुनिया। और हम लोग आज निकल गए हैं घूमी करने। एक छोटी सी वजह है, खास वजह है कि इसके जो कुर्ते थे सारे वो छोटे हो गए हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये बड़ा हो गया है तो सारे कुर्ते जो हैं बहुत छोटे हो गए। और ये आज इसके लिए थोड़ी सी कुर्तों के लिए जो है फैब्रिक्स लिए जाएं और उसके झबले बनवाए जाए इसके लिए, है ना। पहनोगे ना, हर जुम्मा पे पहनेंगे पहनेंगे ना। ओली बीबी ओली। और अभी आयो कहाँ आयो या आते ही खुश हो जाते हो आप, है ना। कहाँ आयो पापा 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 अम्मी भी बोल दे तो आज जो है दीपिका रूहान के कुर्तों के लिए कपड़े लेने चली गई भगवान कलेक्शन। और वहां पर जाते ही आप देख रहे हैं रूहान कितना मस्ती मूड में है। भगवान कलेक्शन रूहान का सबसे फेवरेट प्लेस है और वहां पर जाकर पहली बार रूहान ने पापा बोलना सीखा है, जिसे लेकर दीपिका काफी ज्यादा खुश हुई। और आप देख रहे हैं दीपिका के जो भी ब्लॉग आ रहे हैं उसमें हमें कहीं पर भी सभा के फोटोज नहीं दिख रहे हैं। सभा की पूरी फैमिली जो है मुंबई आई हुई है, सास ससुर भी आए हैं, लेकिन अभी तक जो है दीपिका के ब्लॉग में या फिर सभा के ब्लॉग में एक दूसरे का कोई भी फुटेज नहीं है। यहाँ तक कि सभा रूहान से मिलने भी ऊपर नहीं आई हैं, तो लग रहा है कि दोनों भाभी और ननद के बीच अनबन हुई है। अगर इस बात का कोई ही सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है, खुलकर इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, बस ऊपर वाले से ही दुआ है कि इब्राहिम फैमिली में सब कुछ ठीक हो। चलिए मिलते हैं उस तरह के नए वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।